हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब को प्यार करने वाले एक ऐसे आशिक की, एक ऐसे रिस्पेक्ट करने वाले आशिक की बिल्कुल ही नई कहानी आज हम लाए हैं आप सबके लिए। YouTube के इतिहास में सबसे पहली बार दिल से दिल तक जड़ी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आता। हम सब मोहम्मद रफी साहब से बेहद ही प्यार करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा विश्व रफी साहब से मोहब्बत करता ही है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी आप सभी से हमें शेयर करने के लिए प्रेरणा मिली है और मैं इस प्रेरणा देने के लिए हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर पुणे के अरुण कुमार मोगे जी का बेहद ही शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ये किस्सा हमें अपने हाथों से यहां पर फॉरवर्ड किया है। मराठी फिल्म संगीत के माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर राम कदम जी, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, राम कदम जी के साथ उस दौर पर संगत करते थे पंडित विठल बंसी क्षीर सागर जी, जिनकी इस वक्त आयु है तकरीबन 80 साल के आसपास। पंडित विठल बंसी क्षीर सागर जी ने यह किस्सा अपनी खुद की जबानी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर अरुण कुमार जी को बताया था। एक फिल्म के गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा था जिनमें प्लेबैक देने वाले थे उदित नारायण जी। रिकॉर्डिंग का पूरा सेटअप रेडी हो चुका था स्टूडियो के अंदर और जब उदित नारायण जी ने बड़े ही खूब अंदाज में रिहर्सल के कट्स दे दिए तो उस म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने साथी प्रोड्यूसर को कुछ ऐसा कहा कि है ना हमारा मोहम्मद रफी। उदित नारायण जी को नजर में रखते हुए उस म्यूजिशियन ने ऐसा कहा कि ये हमारे मोहम्मद रफी है। ये बात सुनते ही उस गीत के रिकॉर्डिंग में जो दूसरे ढोलक प्लेयर थे, जो कि रफी साहब से बेहद ही प्यार करते थे, रफी साहब को बेहद ही इज्जत करते थे, उनसे ये गवारा ना हुई बात। उन्होंने अपने ढोलक को उसी वक्त स्टूडियो में पैक किया और बाहर निकलते हुए कहा कि साहब आपको कुछ भी पता नहीं कि आपने क्या तोहिन की है हमारे मोहम्मद रफी साहब की। मैं मानता हूं कि उदित नारायण जी अच्छे गुलूकार हैं, लेकिन आप उदित नारायण जी को कतई हमारे मोहम्मद रफी है ऐसा नहीं कह सकते। और उन्होंने स्टूडियो को बाकायदा छोड़ दिया। बाद में प्रोड्यूसर साहब उस ढोलक प्लेयर के पीछे गए, उनको बेहद ही समझाया कि उनका कहने का मकसद ये नहीं था। बाद में बाकायदा म्यूजिक डायरेक्टर ने उस ढोलक प्लेयर की माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा कहने का इरादा ये नहीं था, ये रफी साहब हमारे लिए हैं, उनके जैसे हैं। बहुत कुछ समझाने के बाद उस ढोलक प्लेयर ने उस गीत में फिर से अपना टेक दिया, ढोलक के कट्स दिए। हालांकि अरुण कुमार जी भी ये कौन से गीत का रिकॉर्डिंग था वो क्षीर सागर साहब से पूछ नहीं पाए थे और क्षीर सागर जी भी उस गाने को रिकॉल नहीं कर पाए और ढोलक प्लेयर का नाम भी उन्हें याद ना था। लेकिन रफी साहब को प्यार करने वाले कुछ इस कदर दीवाने हैं उनके कि अपना पेमेंट के साथ करते हुए काम को भी छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब का जिक्र किसी छोटे फनकार के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। हमारे टाइम पास करने के संसाधन एक दिन हमारे वक्त को ही दफन कर देंगे। टाइम पास करने के संसाधन आप ही खुद सोच लीजिए। इसीलिए टाइम को पास ना करें बल्कि टाइम को जी लें।
दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।